भाई आपस में गले लगे, शादी के बाद पहली बार, और मुझे गिरते टाइम भी ये आवाज़ें आई कि बयान मत जा कहाँ है, तो वो प्यार आज दिखा बहुत दिनों बाद ऑन स्क्रीन, तो क्या मस्त फील, हंसू या रोऊं समझ में नहीं आ रहा। बड़े भैया तो यही कहेंगे कि किया तो इसने ऐसा काम है जिसे माफ़ नहीं करा जा सकता, मेरे प्यार को छीन लिया। लेकिन अभी जब ये पता चला कि इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऑफकोर्स इससे बढ़कर तो कुछ है नहीं कि मेरा भाई हो मेरे साथ, तो बस फिर आंखों में आंसू आ गए और बिहान को देख के गले लगा लिया, क्योंकि इसने मेरी जान बचाने के लिए चक्कर में खुद एक क्लिफ से गिर गया। तो मैंने आज इसको वार्निंग दी कि ये चीज़ वापस कभी नहीं की जाएगी, चाहे वो मेरे लिए क्यों ना हो। ध्रुव के ऑफिस के पुराने दुश्मन हैं माखनलाल और हीरालाल, ये दोनों इन्हें एक रॉन्ग मैसेज करके बुलाते हैं क्लिफ पे, एंड वहाँ भाई को सात आठ गुंडे। पहले तो 7-8 गुंडों को ध्रुव बहुत अच्छे से मार लेता है, लेकिन वहाँ पे थपकी आ जाती है कहाँ से पता नहीं, और वो उसके बंदूक रख जाते हैं, जैसे हर सीरियल में और पिक्चर में होता है कि लड़की की वजह से सब गेम पलट जाती है। तो कहा जाता है कि अब अगर ध्रुव ने हाथ उठाया तो थपकी को गोली मार दी जाएगी, और ऑफकोर्स ध्रुव प्यार के चक्कर में पिटता रहता है। और वहाँ पे फाइनली बिहान आता है जो कि थपकी और ध्रुव को बचाने करता है, फिर हम तीनों मिलके खूब पिटाई करते हैं, थपकी भी डंडा लेके मारती है गुंडों को, एंड फाइनली एक चाकू लेके एक इंसान ध्रुव की बस आँख में डालने वाला होता है, तब बिहान आ जाता है उसे, और रोकने के चक्कर में उसको गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको लेके खुद भी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अच्छा एक बात बताइए, एक्चुअली जब मैं गिरता हूँ तो लकीली किस्मत इतनी अच्छी है बच जाता हूँ, बट वहाँ आइडिया आता है ना क्यों ना इन दोनों को मिलाने के लिए, अगर ऐसा हो सकता है मेरे मरने से अगर मेरे इन दोनों की लाइफ से चला जाऊँ तो शायद ये दोनों वापस मिल जाएँ, तो मैं एक स्टेप उठाता हूँ अपनी लाइफ का कि मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैं मर चुका हूँ। द वन एंड ओनली पर्सन पान जिसको ये सब पता होता है कि मैं जिंदा हूँ, थपकी को पता नहीं कहाँ से हिंट मिलती है, उसे शक होता है, वो पान को पकड़ती है और पान से सच निकलवाती है, और मुझे रंगे हाथों पकड़ लेती है, और उसके बाद जो मुझे सुनाती है क्या बताऊँ, कम से कम नहीं तो 3 पेज कुछ 250 लाइनें सब सुनाती है वो, और फिर लेके आती है यहाँ पे, और यहाँ आके फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि मैं मरा नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सिर्फ पट्टी कराने गया था, पकड़ में आ ही चुका हूँ, तो अब क्या बोलूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग थपकी प्यार की, ओनली ऑन कलर्स @7। थैंक यू।